इस बीच बड़ी खबर, दिल्ली से किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी। बता दें आपको, वॉशिंगटन डीसी में खालिस्तानी समर्थकों का भारतीय दूतावास पर प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने की कृषि कानून को वापस लेने की मांग। इटली के रोम स्थित भारतीय दूतावास पर भी प्रदर्शन किया गया। खालिस्तानी समर्थकों ने दूतावास की दीवारों पर स्लोगन लिखे हैं। तो किसान आंदोलन की आड़ में अब खालिस्तानी नजर आ रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी में खालिस्तानी समर्थकों का भारतीय दूतावास पर प्रदर्शन देखने को मिला है। प्रदर्शनकारियों ने कृषि कानून को वापस लेने की मांग की है। इसी के साथ इटली के रोम स्थित भारतीय दूतावास पर भी प्रदर्शन किया गया, जहाँ दूतावास की दीवारों पर खालिस्तानियों ने स्लोगन लिखे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं आप दिल्ली से, जहां इटली के रोम स्थित भारतीय दूतावास पर खालिस्तानियों ने प्रदर्शन किया है। खालिस्तानी समर्थकों ने दूतावास की दीवारों पर स्लोगन लिखे हैं। आपको बता दें कि लगातार खालिस्तानी समर्थकों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। वॉशिंगटन डीसी में यह प्रदर्शन देखने को मिला है। इसी के साथ इटली के रोम में भी प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां भारतीय दूतावास पर इन समर्थकों ने प्रदर्शन किया है और इसी के साथ दूतावास की दीवारों पर स्लोगन भी लिखे गए हैं। कृषि कानून वापस लेने की मांग सरकार से की जा रही है। तो देश के साथ साथ अब विदेशों में भी किसान आंदोलन की आंच देखने को मिल रही है, जहां खालिस्तानी समर्थक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। प्रशांत, कहीं ना कहीं अब किसान आंदोलन की जो आंच है वो देश के साथ साथ अब विदेशों में भी देखने को मिली है। जो खालिस्तानी समर्थक हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अब भारत सरकार ने भी चिंता इस पर व्यक्त की है। जी बिल्कुल आयुषी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी समर्थक संगठन अपने हित पूरा करने चाह रहे हैं। वो कहीं तिरंगा झंडा जलाकर उसकी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तिरंगे का अपमान कीजिए क्योंकि तिरंगे ने ही हमारे खालिस्तान को रोका हुआ है। और मैं आपको जानकारी दूं कि अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में भी खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय दूतावास के सामने प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है, कृषि कानून के पक्ष में नारेबाजी करते हुए खालिस्तानी झंडे ले रहे हैं। जी। और इसके अलावा इटली के रोम में भी एक बड़ा प्रदर्शन करते हुए खालिस्तानी समर्थकों ने दीवारों पर स्लोगन लिख दिए, खालिस्तान जिंदाबाद लिख दिया, वहां झंडा लहरा दिया, वहां के अधिकारियों के साथ बदतमीजी की है और भारतीय संविधान के प्रतियों को भी फाड़ के दिखाया है। तो इसके बाद भारत ने चेतावनी दी है और कहा है कि इटली की जिम्मेदारी है कि भारत के जितने राजनयिक है यानी दूतावास में जितने अधिकारी और कर्मचारी है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी बनती है और वो उस पर ध्यान दे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका में पिछले साल दिसंबर में प्रदर्शनकारियों ने ऐसी हरकत की थी और वहां महात्मा गांधी जी की जो प्रतिमा लगी थी उसको भी खराब कर दिया था। जी आयुष जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत शर्मा तमाम जानकारी देने के लिए।